नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। गाइज, यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 से रिलेटेड क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आई है, सारी चीज़ों को वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। छात्रों को आज मैं बता दूं कि इन कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूं कि इन छात्रों का स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाला है। इन छात्रों के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब क्या कंडीशन रहने वाले हैं कि किन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए गाइज, कोई भी मैं इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूँ, जो भी बात होगी वो ऑफिशियल होने वाली है। और एक बार वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कई सारे कमेंट्स होंगे जो आप लोग रिक्वेस्ट किए हैं व्यूअर्स, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, उनके जहन में जो क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को भी पिक किया है और कहीं ना कहीं उन पर भी बात होगी। तो कुल मिला जुला के जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो 7 से 8 मिनट जो भी हो, थोड़ा सा लंबा बन जा रहा है, क्या करें। एक साथ कई लोगों का अगर जवाब देना है वीडियो में तो वीडियो श्योर एंड सर्टेन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चैनल को प्लीज़ यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़्यादा सोचिए समझिए मत, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि प्रकाश एजुटेक पे आपको हर वक्त ऑफिशियली और सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो में कुछ और भी बातें बताऊं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टा आईडी का। देखिए, कई सारे सवाल जवाब अगर आप पूछ सकते हैं इंस्टा पे, जो भी मेरे को फॉलो किए उनको पता होगा कि सटीक सब सवालों के जवाब दे रहा हूँ और जवाब ज़रूर देता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका मैं मैसेज रीड नहीं करता और जवाब नहीं देता। देखिए भाई, यूट्यूब पे सारे कमेंट्स के जवाब देना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आते हैं एक वीडियो में, तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कमेंट्स देखता जरूर हूँ, सारी चीज़ों को देखता हूँ और उसी के आधार पे अगला वीडियो की प्लानिंग होती है। तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, एक छात्र ने कल बताया कि देखिए उनका जो स्कॉलरशिप है वो 3600 रुपये और फीस रिम्बर्समेंट जो है वो 3100 रुपये, मतलब आ गई है 3131 रुपये। लेकिन इनका कहना है कि देखिए सर, ये मैसेज तो आ गया लेकिन मेरा जो स्कॉलरशिप है वो मेरे अकाउंट में नहीं आया हुआ है। तो उनका कहना है कि सर, ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि ऐसे छात्रों को क्या करना है। तो भाई, एकदम सटीक और फौरन मैं आपको चीज़ें बता दूं कि आज जो भी डेट है, मंडे है, आप चले जाइए समाज कल्याण विभाग DW ऑफिस, अपने जो भी जिला जहां का कॉलेज है जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां चले जाइए, एक बार बात कीजिए उनसे, दिखाइए मैसेज की, देखिए मैसेज आया है और उसके बाद इसका क्या सलूशन होगा। लेकिन हाँ, ऑलरेडी मैं आपको सलूशन बता देता हूँ, वो क्या कहेंगे, वो सिर्फ यही कहेंगे कि देखिए आप 15 अप्रैल तक लेटेस्ट वेट कर लीजिए, आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ज़रूर भेज दिया जाएगा। मैसेज जाने का यही मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप 100% मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो छात्र चाहें वो जा सकते हैं और मैं कहूँगा कि 10 दिन वेट भी कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अगर स्क्रीन पर साफ साफ तो नहीं दिख पा रहा होगा, एक छात्र ने इस पर भी वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया। उनका कहना है कि यहाँ पे देखेंगे 6731 रुपये जो है वो स्टेटस फेल्ड हो गया है। ये बात कब की है, 3 तारीख की है, 3/4/2000। तो देखिए, उनका कहना था कि ये जो स्टेटस है मेरा, ये ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो गया PFMS का। ये देखिए, साफ साफ तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, अगर आप 360 पी देख रहे हो SD या 720 तो कहीं ना कुछ हद तक दिख रहा होगा। चलिए आप सुन लीजिए ऑडियो में कि क्या प्रॉब्लम है, इनका जो स्टेटस है ट्रांजेक्शन फेल हो गया PFMS पर और इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए भैया, आप चले जाइए समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में और वहाँ से बातचीत कर लीजिए, आपका स्कॉलरशिप आ सकता है, आप देरी मत कीजिए यार। गाइस, जिन अभी 2 टॉपिक्स पे मैंने बात किया है उस पर आप प्लीज़ अमल कीजिए। चलिए फर्दर देख लेते हैं, यहाँ पे आशीष तिवारी जी का कहना है कि ये ITI वालों का, अगर जो जिन भी छात्रों का वेरीफाइड दिखा रहा है उनका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा, उनका रिक्वेस्ट था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो देखिए भैया, स्कॉलरशिप आएगा, ज़रूर आएगा, और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मैं बात करूँ BA LLB BEd और फिर ITI वालों का, B Pharma का, इन सब छात्रों का थोड़ा सा स्कॉलरशिप अभी डिले हो रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बजट अच्छा खासा है। यहाँ पे देखिए, एक छात्र का और रिक्वेस्ट आया था कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ हूँ कि देखिए भैया, आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप मेरे से रिक्वेस्ट कर दीजिए, मतलब कह दीजिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो ज़रूर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और #PickMyComments जो मैंने अभी चलाया है हाल में ही, एक तरह से मैंने मुहिम चलाया कि जो भी स्कॉलरशिप चाहते हैं, जो कुछ ज़्यादा परेशान छात्र हैं उनका ही कमेंट्स मैं पिक करूँ, और तो #PickComment करके कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पर जवाब दे सकते हैं वहाँ फॉलो करके, तो उनका जो ज़रूर है कमेंट्स मैं वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है, आप लोगों के लिए ही लेंदी होता है। तो देखिए भैया, जो भी आधार वाले हैं छात्र उनका दिखा रहा है यन्ने, मतलब नॉट अप्लीकेबल, और इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिन छात्रों का यन्ने दिखा रहा था स्कॉलरशिप, अच्छे से उनके अकाउंट में आ गई है,
तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ, जिन छात्रों का अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है, प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप तुरंत बैंक जाके आधार को लिंक करवा दीजिए, जिससे आपका जो अमाउंट है वो आ सके। और जिन छात्रों का छोटा खाता है उसे प्लीज़ बड़ा खाता में फॉरवर्ड करवा दीजिए। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर इनका भी वही प्रॉब्लम है, मैसेज आया भी नहीं है, तो आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए भैया। तो देखिए, रचित लोढ़ी का कहना है, भाई मैसेज आ गया है लेकिन अभी तक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो कब तक आएगी? आप 15 अप्रैल तक वेट कर लीजिए। आप चाहें तो, इच्छुक हैं तो आप समाज कल्याण विभाग भी जाकर बात कर सकते हैं। चलिए, अमर राठौर जी का क्या कमेंट्स है उसको देख लेते हैं। इनका कहना है कि सर, मैं OBC से BEd का स्टूडेंट हूँ, मेरा जो अमाउंट है वो 31,500 रुपये आया है, क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा? फीस 52,000 है, # पिक माई कमेंट्स। तो देखिए भैया, आपका कमेंट पिक किया गया, ऐसे कई सारे जो भी आए थे कमेंट्स इस प्रकार के, उसको मैं इस वीडियो के अंदर शामिल करने वाला हूँ, जो भी सवाल जवाब होंगे उनको देखेंगे। देखिए, आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, आप OBC कैटेगरी से आने का चांस जो है वो कम है, थोड़ा सा सच्चाई जो है भाई उसको बता दे रहा हूँ कि OBC वालों का जनरली सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता, उनका जो अमाउंट होता है वो आधा ही आता है। तो चलिए, यहाँ पे सवा सेक का क्या कहना है कि सर, आपकी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन सर मेरा फॉर्म वेरीफाइड हुआ, मैं अपना स्टेटस चेक किया तो उसमें वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया ना ही मेरे अकाउंट में। मतलब इनका कहना है कि सब इस फ्रेंड्स की स्कॉलरशिप आ गई, अभी इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया # पिक माई कमेंट्स इन योर वीडियो सर। तो भैया देखिए, आपका भी कमेंट पिक कर लिया गया, और आपको जवाब मैं दे दूं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ऐसा बात नहीं है कि सभी छात्रों का आ गया, ऐसे आपके जैसे कई सारे छात्र हैं जिनका भी स्कॉलरशिप नहीं है। और अभी देखिए, जो मैं पोल डालता हूँ अपने चैनल पर, कम्युनिटी पर, इसीलिए कहता हूँ ना सब्सक्राइब करके यार, जो भी पोल है उस पर वोटिंग किया कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए, आज छात्रों का रिक्वेस्ट आया तो 2 पोल हो सके डालूँ, दिन में 1 सुबह डालूँ 1 शाम को डालूँ, तो आप अपडेटेड रहा कीजिए। तो देखिए, आपका भी आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि आपका 8 तक आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी को वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, आपके भाई को सिर्फ यही चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। चलिए, ज्योति सिंह जी का क्या कहना है कि गुड इवनिंग सर, आई एम ज्योति सिंह फ्रॉम BFarm 3rd year, प्लीज़ सर हेल्प मी। मतलब इनका कहना है कि 1st year से अभी तक 3rd year तक इनकी कोई स्कॉलरशिप नहीं आई, ये 80 कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही। तो भैया देखिए, आप चेक करवा लीजिए अपना कि आपका वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, अगर स्टेटस में ऐसा है तो इस बार आपका स्कॉलरशिप ज़रूर आएगा, और नहीं आ रहा है तो आप यार रिक्वेस्ट कीजिए कि मतलब वहाँ जाके बात कर लीजिए। तो चलिए, ज्योति सिंह जी का ये हो गया। चलिए, वीडियो के अंदर मैंने कमेंट भी देखा, माइनॉरिटी वालों की कब आएगी, माइनॉरिटी वालों की आना शुरू हो गई, हाँ BEd वालों की, अभी माइनॉरिटी वालों की नहीं आ रही है, तो ऐसे छात्रों को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। सर्वेश कुमार, कब तक वेट करना है भैया? तो देखिए, बता दूँ कि आपको वेट करना है 8 से 9 अप्रैल तक, लेटेस्ट मेरा जो अनुमान है तक मैक्सिमम छात्रों का आ जाएगा। मेरा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, देखिए जिन भी छात्रों का स्कॉलरशिप रिजेक्ट दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है, जो मैंने वीडियो का थंबनेल लगाया था वो इसी टॉपिक पर था, तो इन छात्रों का भी स्कॉलरशिप फर्दर नहीं आने वाली है। ऐसे छात्र ज़्यादा परेशान ना हों, इंतज़ार ना करें, इस बार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आप बोल रहे हैं कि जिनका स्टेटस में रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, उनका स्कॉलरशिप 15 अप्रैल तक आ जाएगा। बिल्कुल भाई अभिषेक चौहान जी सही कह रहे हैं एकदम, यही बात मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूं, लेकिन स्कॉलरशिप स्टेटस पे वीडियो में दिखाए हैं उनका तो नहीं आया है, और स्टेटस दिखा रहा है उनका अमाउंट नॉट डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू। देखिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था वो 2020 का था, वो एक BTC कैटेगरी की छात्रा थी, स्टूडेंट थी, उनके रिक्वेस्ट पर मैंने उस पर वीडियो बनाया था, बताया था। देखिए, जिन भी छात्रों का 19-20 में दिखा रहा था स्टेटस की अनअवेलेबिलिटी या फंड के कारण स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है, तो अब छात्रों की उनकी नहीं आने वाली है। बात करेंगे 2020-21 सेशन की, यार स्कॉलरशिप जो सेशन चल रहा है 20-21 का चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सेशन की अगर आपको स्टेटस देखने की ज़रूरत है, उस चीज़ को मैंने बताया था। चलिए फर्दर देख लेते हैं, शिवानी का क्या कहना है कि सर, मेरा 40,000 रुपये का जो अमाउंट है वो आ गया है, ये BEd सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना आया, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपका कमेंट पिक हो ना हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रकाश एजुटेक की तरफ से स्कॉलरशिप पर इस वक्त आपको फुल सपोर्ट दिया जा रहा है। चलिए गाइज, IPL स्ट्रीमिंग जी कहना है कि कैटेगरी वाइज पोल कराइए। देखिए भाई, इस वीडियो के जैसे ही मतलब ख़त्म होगा, मैं कैटेगरी पोल के लिए तुरंत कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर वोटिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पोल को भी लाइक कीजिएगा। अब से एक सोनी का कहना है, सर मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो आ गया, इनके सारे क्लासमेट्स का आ गया है, तो इनका नहीं आया था, इनका कहना है पिक माई कमेंट्स। तो अच्छी बात है भैया, जो भी चाहते हैं उनका कमेंट पिक हो, #पिक माई कमेंट करके करें,
और पिक की स्पेलिंग देखिए मैं बता दूं कि PICK होता है, अच्छी बात है, छोड़े स्पेलिंग डजन मैटर, यहाँ पे आपका भाई साहब कुछ समझ लेगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए यार अभिषेक जी, आपका दस्तक आ जाएगा। अनीस कुमार कन्नौजिया का कहना है, सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, 9 फरवरी को DWO से फॉर्म वेरीफाई हो गया था बट आई नहीं, जबकि मेरे दोस्तों की मार्च में वेरीफाई हो गया था, उन सबकी आ गई है। तो देखिए आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कॉलेज में बात कर लें और 2-3 दिन वेट कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज़ आप एक बार DWO ऑफिस चले जाइए, बातचीत वहाँ कर लीजिए, आपका जरूर आ जाएगा। सर मैं MA फर्स्ट ईयर SC कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, फॉर्म वेरीफाई हो गया मगर अभी तक आया नहीं। और भाई सब कुछ सही है भाई, आपका जल्द ही आ जाएगा। इजी एजुकेशन फॉर बिगिनर्स, सर मैं BSc थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे देखिए इनके सारे फ्रेंड्स के स्कॉलरशिप आ गए, इनका कहना है #PickMyComment सर, तो बिल्कुल आपका कमेंट भी पिक किया गया और आपकी भी स्कॉलरशिप 8 तक आ जाएगी, पूरा उम्मीद करता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी लाइव आने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो आपको दिन में जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज यार इस वीडियो में इतना ही, देखिए कई सारे सवाल आते हैं लेकिन यार अब वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप लोग को बाद में कहेंगे कि सर वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, छोटा बनाइए, तो इसीलिए वीडियो को मैं फर्दर लेंदी नहीं ले जाना चाहता। वीडियो इन करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, अपना जो प्यार सपोर्ट है उसको थोड़ा और दिखाइए प्लीज़ यार, इंस्टाग्राम पे भरमार लगा दीजिए, फॉलो करके मैसेज कीजिए और कमेंट्स भी पूछ सकते हैं आप बेचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकाश से जुटेगा आपको सारे कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा, न दे पाया तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएगा। लेकिन हाँ आप लोग प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, सोचिए समझिए मत, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी काम जरूर कर दें। तो गाइस टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।